सोनाहातु थाना क्षेत्र के विरदीडीह और डीवाडी में विगत दिनों सैकड़ों हाईवा से ज़्यादा अवैध बालू पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त किया गया था, लेकिन अवैध बालू डंपिंग और खनन मामले में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। सोनाहातु सीओ ने बालू डंपिंग भूमि मालिकों की पहचान कर बालू माफियाओं की सूची तैयार की। अवैध बालू के धंधे में संलिप्त बालू माफियाओं की पहचान के बाद सोनाहातु थाना और सोनाहातु अंचल अधिकारी ने 18 बालू माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पूर्व सोनाहातु सीओ प्यारे लाल और सोनाहातु थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेमरम के संयुक्त छापेमारी अभियान में 250 से ज़्यादा हाईवा से ज़्यादा अवैध बालू भंडारण जब्त किया गया था, लेकिन भंडारण क्षेत्र से बालू माफिया नदारद थे। अवैध बालू डंपिंग मामले में 18 लोगों पर प्राथमिकी भी की गई है, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मामले करीब 17 लोगों पर दर्ज की जा रही, जो इसमें संलिप्त पाए गए जांच में उन्हीं के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह स्थानीय बेदीडी और दीवाडी, ये दो जगह से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। 29 तारीख को इसी का प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अरे ये वॉइस को हम लोग सत्यापन करवाए, वो पहले से उठा हुआ बालू का दाग है, जो हम लोग के द्वारा जब्त किया गया उसमें से बालू नहीं हटाया गया। ये कार्रवाई लगातार चलेगी जब तक कि ऑक्शन नहीं हो जाए और वैध तरीके से लोग निकले, अवैध धंधा नहीं चलने दिया जाएगा।